हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सूजी से बना चटपटा नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ये बिना तेल का बहुत ही चटपटा और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होता है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने जो सामग्री लिया है वो है रवा। रवा हमने बारीक वाला लिया है। अगर आपकी रवा मोटी है तो आप मिक्सर में उसे पीस लीजिए। कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, मैश किया हुआ 2 बड़ा आलू, दही, 2 चम्मच देसी घी, कटा हुआ हरी मिर्च, फूरन के लिए हमने लाल मिर्च, हींग, राई, जीरा, मसाले में हम ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा पानी। हम एक बाउल लेंगे और उसमें रवा को डाल देंगे। उसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च और दही। दही को हमने फेंट दिया है तो इसे भी हम डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें एक स्मूथ डो तैयार करना है। रवा फूल रहा है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो हम गैस पे एक कढ़ाही लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। उसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को हम मेल्ट होने देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथ से हम इसे एक स्मूथ डो तैयार करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमने 2 चम्मच के बराबर इसमें पानी डाला है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक के 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। राई जीरा तड़कने लगा है। अब हम डालेंगे उसमें प्याज और हरी मिर्च। मिर्च अपने स्वाद के अनुसार आप ज्यादा कम कर सकती हैं। तीखा पसंद है तो ज्यादा डालिए और बच्चों के लिए बना रही हैं तो मिर्च कम कर दीजिए। अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। मेल्ट हो चुका है। इसमें डालेंगे राई, जीरा, हींग और सबको तड़कने देंगे। इसको हम चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम उसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमने सूजी में भी डाला है, इसमें हम अंदाज से ही डालेंगे। थोड़ा सा हम लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैश किया हुआ आलू और इसे चलाते हुए चम्मच के पीछे वाले हिस्से से ऐसे मैश मैश ये हम मिक्स कर लेंगे। आलू मैश हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता। आप स्टफिंग में अपने मनपसंद की सब्जी भी ऐड कर सकते हैं, पर बच्चे ज्यादातर आलू और धनिया पत्ता मिक्स किया हुआ पसंद करते हैं। स्टफिंग तैयार है। हम गैस को ऑफ कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अपना डो फूल गया है। अब हम इसे अच्छे से ऐसे मुट्ठी को बनाएंगे और प्रेस कर करके इसे मसल लेंगे। तो मुट्ठी से हम इसे मसल मसल के
और एकदम स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम आटे के छोटे छोटे लोई बनाएंगे। तो ऐसे हम इसको रोल करके और एक साइज का लोई काटेंगे। आप थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकती हैं, पर हम ऐसे काट रहे हैं। और इसको हम ऐसे गोल करेंगे और हाथ से ही इसे ऐसे चिपटा कर लेंगे। अब हम ये फिलिंग जो तैयार किए हैं उसमें से थोड़ा सा फिलिंग लेंगे और इसके बीच में ऐसे प्रेस कर देंगे और चारों तरफ से आटा से कवर करते हुए उसे ऐसे दबा लेंगे और इसके मुंह को बंद कर देंगे। फिर हथेलियों से इसे गोल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सा बॉल तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और ऐसे ही हम बॉल्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पर हमने पहले ही पानी उबलने के लिए रख दिया था। आप देख लीजिए ध्यान से पानी में उबाल आ चुका है। अब हम एक एक बॉल को धीरे धीरे ऐसे छोड़ देंगे। एक एक बॉल को धीरे धीरे छोड़ देंगे। थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, पानी ना उछले। हमने सारे बॉल्स को आराम आराम से हम इसे कवर करके और मीडियम गैस पे 10 मिनट तक उबलने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन को हटा लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए अपना बॉल फूल के डबल हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और एक प्लेट में छलनी की सहायता से इसे निकाल लेंगे। ये बड़ा ही टेस्टी नाश्ता होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। एक-एक करके हमने सारे बॉल्स निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं बॉल अपना फूल के डबल डबल हो गया है। अब हम इसको 2 मिनट तक रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमने गैस पे एक पैन रख लिया है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो गैस को हम ऑन कर लेंगे और उसमें एक चम्मच घी डालेंगे और घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है। अब हम मिर्च को तोड़ के डाल देंगे और इसमें राई, जीरा और हींग भी डाल देंगे और इसे चटकने देंगे अच्छे से। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर तड़का डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो हम इसे तड़का लगा देते हैं। सारे बॉल्स को हम चारों तरफ से ऐसे राई और जीरा का कोटिंग कर देंगे और घी के साथ इसका टेस्ट तो और ही दूना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे बॉल्स को हमने उलट उलट के ऐसे फ्राई कर लिया है। अब हम ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ता और इसे भी मिक्स कर लेंगे। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान होता है, साथ में हेल्दी भी होता है। तो एक बॉल को हम काट के दिखा रहे हैं। आप देखिए इसके अंदर का फिलिंग कितना सुंदर उभर के आया है। अब हम इसे
टोमेटो केचप से या हरी धनिया की चटनी से, आपको जैसे पसंद हो वैसे खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सूजी का चटपटा नाश्ता बनकर तैयार है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए।